हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अर्थ होता जब जब हम भगवान का नाम लेते हैं, नामी मतलब भगवान कृष्ण, वो हर समय सोचते हैं भैया मेरे नाम का बदनाम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाम की बात खींच आएंगे आखिर एक दिन से आप नाम को द्वारा ही भगवान खींच करके आ जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम लेते थे, इसलिए महाप्रभु रोज आकर के महाप्रभु इनको दर्शन देते थे। महाप्रभु दर्शन दे करके और जगन्नाथ जी की इनको प्रसाद दिया करते थे। एक दिन उनको जो दांतन दिया ना, उनको सूखा लकड़ी है, लेकिन महाप्रभु यहीं पर ला करके लकड़ी को काट दिया, काट दिया तो वो पेड़ बन गया। देखो पेड़, ये महाप्रभु का जो दांतन से ये लकड़ी बन गई, ये जो पेड़ है वो जगन्नाथ जी के दांतन से पेड़ हो गया, अब ये विशाल वृक्ष बन गया। और इसको नीचे बैठ करके हरिदास ठाकुर ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी वृक्ष को नीचे बैठ करके महाप्रभु तीन तीन लाख हरिदास ठाकुर भजन करते थे। एक दिन क्या हुआ, जैसे रथ यात्रा देखोगे ना, जगन्नाथ जी के जो रथ में, जगन्नाथ जी के रथ में जो पहिया लगता है कितना जानते हो, उसमें 18 पहिया चक्का, इतने बड़े बड़े, ये घर जितने बड़े बड़े है ना, ये पहिया 18 उसमें पहिया लगता है। क्या हुआ, एक पहिया कैसे टूट गई, चक्का टूट गई, तो राजा ने आदेश दिया कहीं भी पेड़ मिले ले आओ काट करके। राजा का आदेश है, ढूंढे कहाँ पेड़, देखा ये जो पेड़ बड़े सुंदर पेड़ है, हाँ हरा भरा बड़े मोटे सोटे पेड़, दाग दे दिया, कल ये पेड़ कट करके जगन्नाथ जी रथ का चक्का बनेगा। यहाँ पर एक भक्त यहाँ पर निवास करते थे, उनका नाम था श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, एक और एक संत है, यहीं पर भजन करते थे। उन्होंने देखा भैया ये पेड़ को महाप्रभु लगाया, इसी पेड़ की छाया को नीचे बैठ करके हरिदास ठाकुर भजन करते थे, ये एक उनका स्मृति चिन्ह है, अगर ये पेड़ को काट लेगा तो फिर गया, महाप्रभु का स्मृति चला जाएगा। उन्होंने महाप्रभु से जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, ठाकुर जी ये वृक्ष आप ही लगाया है, इसको काट करके ले जाएंगे तो आपको स्मृति खत्म हो जाएगी। जब उन्होंने प्रार्थना की ना, जब दूसरे दिन ये पेड़ को काटने के लिए आए, देखा ये पेड़ एकदम खोखला है, वो अंदर में कुछ है ही नहीं, अभी हम देखोगे, आप जाकर देखोगे वो एकदम खोखले, उसका जो छिलका है ना वो उसको ऊपर पेड़ खड़ा हुआ, उसका अंदर का जो है उसका अंदर का कुछ है ही नहीं। बोले भैया ये राता रात ऐसे तैसे हो गया, इसलिए ये पेड़ का नाम है सिद्ध बकुल है, ये साधारण वृक्ष नहीं, ये सिद्ध, जिसकी मन में कोई भी कामना हो है, जब ये वृक्ष से प्रार्थना करोगे ये वृक्ष सारे काम का इच्छा पूरी कर, देखो उसमें देखो पेड़ में लगाया हुआ, देखो जिसके मन में जो इच्छा होता है ना, हमें बेटे चाहिए, नौकरी चाहिए, चाकरी चाहिए, हमें ये देखो सब उस पेड़ में सब बांध कर गए, ये सब पेड़ में बांध बांध लटके लटक लटका कर गए, और जिस जो कुछ भगवान ने लगाया ना, एक तो जगन्नाथ का दांतन स्वयं महाप्रभु लगाए, और हरिदास ठाकुर जैसे व्यक्ति इस वृक्ष को नीचे भजन किया है, आप क्या मांगोगे, आप कोई चीज नहीं मांगना, केवल भगवान की भक्ति और उनकी सेवा ही मांगना, और दुनियादारी कोई चीज नहीं मांगनी चाहिए यहाँ से, ठीक है ना। इसलिए यहीं पर हरिदास ठाकुर यहीं पर जब रहते थे, यहाँ पर रूप गोस्वामी रहते थे, सनातन गोस्वामी यहीं पर रहते थे, और यहीं पर बैठ करके ये सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी भजन साधन करते थे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु आए, रूप गोस्वामी ग्रंथ लिख रहे थे, बोले भैया कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो, बोले हम लिख रहे हैं ललित माधव हैं, विदग्ध माधव, हम ये नाटक लिख रहे हैं, हैं ललित माधव विदग्ध माधव, ये हम ग्रंथ लिख रहे हैं। इतने में बोले इसका मंगलाचरण श्लोक को पढ़ो, इतने सुंदर श्लोक लिखे हुए थे, जब उन्होंने मंगलाचरण श्लोक को पढ़े ना, मतलब पहले जो श्लोक लिखते हैं उसमें लिखा हुआ था, बोले अनर्पित चरण चिराग करुणयावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसान स्वभक्ति श्रियम हरि पुरत सुंदर द्युति कदम प्रसन्निपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतुव सची नंदन है। कहते ये महाप्रभु कौन है, बोले जो ब्रह्मा का एक दिन में जगत में एक बार आकर के जो प्रेम के लिए ब्रह्मा शंकर नारद भी तरसते हैं, वो दुर्लभ प्रेम को वो सबको ये दुर्लभ प्रेम प्रदान करते हैं, है
सबको प्रदान करते हैं। इसलिए वो कौन है महाप्रभु हमारा हृदय महाप्रभु सुन करके इतने खुश इतने प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए हैं। जब वो ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते फिर एक श्लोक उन्होंने लिखा, भगवान के नाम में कितने शक्ति है। जब वो श्लोक को महाप्रभु सुने, महाप्रभु का हृदय नाम लिखा और हरदास ठाकुर सब पागल हो गए थे, हाथ उठा करके हरदास ठाकुर नाचने लग गए। वो श्लोक क्या था, बोले तुटे तांडव विद विद ते तुंडा बलि लब्धे कर्ण कर्णो कड़ निगटते कर्णा बुधेव स्प्रिया चेत प्रांगण संग निरचते सर्वे इंद्रियाणां कृति नो जाने की अद्भुत कृष्ण इति वर्णन। ये श्लोक लिखा हुआ था, मतलब जो कृष्ण की जो दो अक्षर में इतने रस है, उसमें इतने प्रेम इतने रस भर दिए, कहते प्रभु जो कान में घुसता है ना, लगता है मेरे को करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दे दिया। जीवा में जब उदय होता है, मतलब ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, एक जीवा में उदय दिया, अरसु खरबुद जीवा नहीं दे दिया। हृदय में जब प्रवेश करता है, लगता है रस की बारिश बरस रहा है। इसलिए जिसको सुन करके सब भक्त लोग पागल हो गए, हरदास ठाकुर नाचने लग गए। इसलिए यहीं पर हरदास ठाकुर बैठ करके भजन करते थे, उनका भजन स्थल ही महाप्रभु यहीं आते थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी यहीं रहा करते थे। इसलिए ये जो स्थान है बड़े सिद्ध स्थान है, बड़े सिद्ध स्थान यहाँ पर है। इसलिए यहाँ हम लोग बड़े भाग्यवान हो, हम लोग सबके सब ये स्थान पर आए हो, जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए आए। बाद में और इनकी बहुत सारी कथा हम बाद में सब कथा सुनेंगे, ठीक है। बोले श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि, बोले श्री रूप सनातन प्रभु की, पिताई गौर ब्रह्मानंदे। यहीं से ना, पहले जितने मकान दुकान दिख रहे हो, पहले कुछ नहीं था, उस समय तो यहाँ केवल जंगल ही जंगल था। जब यहाँ भजन करते थे, यहीं से जगन्नाथ जी की जो चक्र है, जो उनका चक्र है रथ को, ये उनका मंदिर के ऊपर चक्र यहीं से दिखता था। इसलिए हरदास ठाकुर जवन कुल में जन्म हुई, हम मुसलमान कुल में, इसलिए वो कभी जगन्नाथ मंदिर नहीं जाते थे, यहीं से प्रणाम करते थे रोज, यहीं से प्रणाम करते थे। इसलिए अभी हम जाएंगे गंभीरा, जहाँ पर महाप्रभु 18 साल तक जहाँ पर रह करके भजन किए, अभी हम वहाँ चलेंगे, ठीक है। अपने भजन गए महाप्रभु।